हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ज़रूर अच्छे होंगे। तो यहाँ पे अभी बज रहा है सुबह 11। तो अभी यहाँ पे मेरा हो रहा है घर का साफ़ सफाई, मतलब साफ़ सफाई तो ज़ारा कर चुकी है, झाड़ू वाड़ू वो सब चूच दे चुकी थी। तो यहाँ पे अभी मेरा जो सब बिखरा हुआ था सामान, वो सब मैं यहाँ पे ठीक कर रही हूँ। अभी ज़ारा भी स्कूल चली गई है और यासिर गया है ट्यूशन, कोई भी नहीं है अभी, तो मैं अकेले हूँ। तो आराम से यहाँ पे जो भी मुझे काम करना है आराम से मैं कर रही हूँ यहाँ पे। तो सब बिखरा हुआ था ना, जो जो ला करके रखे हुए थे, यासिर के पापा से मंगवाई थी मैं जो भी सामान था वो। और यहाँ पे मेरा खाना जो है सुबह मतलब बन चुका है, नाश्ता वास्ता भी हम लोगों ने कर लिया है। तो 11 बज रहा है तो नाश्ता तो हो ही चुका होगा। तो यहाँ पे खाना भी मेरा बन गया है। तो यहाँ पे मैं अभी आ गई थी ये सब ठीक ठाक करने के लिए। और ज़ारा तो कर चुकी थी, फिर भी जो है मतलब अभी जो कपड़ा वपड़ा जो सब धो करके कल मैंने रखा था, धो दिया था, तो वो सब तह लगा करके मतलब फोल्ड करके रख देंगे, जहाँ जिसका जगह है वो सामान वहाँ पे रख देंगे। तो और आप लोग सब कैसे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, और मेरे चैनल पे अगर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और यहाँ पे बारिश भी अभी रुका हुआ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्म हो रहा है ना, तो हालत सबका गर्म से ख़राब हो रहा है। ज़ारा भी स्कूल गई हुई है और यासिर के पापा गए हैं यासिर को छोड़ने के लिए ट्यूशन, तो वो अभी आएंगे थोड़ी देर में, फिर उसके बाद फिर उसको लाने भी जाना होगा ना। तो यहाँ पे मैं कपड़े को सब सारा जो कपड़ा धो करके रखा था मैंने, यासिर के पापा का कपड़ा है, शर्ट पैंट ये सब है, वो सब फोल्ड करके उसे अपनी जगह पे रख दूँगी। और यहाँ पे ये सब है कपड़ा। और घर का जो बहुत सारा काम रहता है ना, सिर्फ खाना बन जाने से नहीं होता, उसके बाद भी बहुत काम होता है। खाना तो बन गया है और खाने में मैंने बनाया था दाल चावल और भिंडी की सब्ज़ी। तो यहाँ पे कपड़ा सारा फोल्ड हो गया है मेरा। तो आज सुबह से व्लॉग नहीं बनाया है मैंने, इस टाइम से स्टार्ट किया है 11 बजे से। तो यहाँ पे जो कपड़ा सारा हो गया था फोल्ड, तो उसको मैंने रख दिया है। और यहाँ पे टेबल में जो है सब वो सब मैं पोछ ले रही हूँ, क्योंकि गंदा बहुत हो जाता है, बहुत ना खिड़की से बहुत मतलब ये आ जाता है, गंदा हो जाता है ना, तो उसको झाड़ ले रही हूँ यहाँ पे। और सोफ़ा को भी ठीक करके झाड़ लेते हैं, बहुत सारा मतलब डर्ट 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 हो जाता है ना, तो इसी वजह से। तो यहाँ पे सब साफ़ कर ले रहे हैं, तो जो भी है साफ़ सफ़ाई वहाँ यहाँ का हो जाएगा, तो फिर बेडरूम में जाएंगे, वहाँ पे भी साफ़ करना है। तो आज सिर्फ साफ़ सफ़ाई का ही व्लॉग है, खाना का कुछ रेसिपी मैंने नहीं दिया है। तो यहाँ से आज वीडियो स्टार्ट किया है मैंने। तो यहाँ पे जो भी है सब साफ़ सफ़ाई हो जाएगा, उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ का सब साफ़ सफ़ाई हो गया है, जो भी है कर लेते हैं थोड़ा बहुत जो है। तो यहाँ पर देखिए हो गया था साफ़ सफ़ाई, तो अभी आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे अब क्लीन हो गया है, अब अच्छा लग रहा है, बहुत बिखरा हुआ था ना, तो वही सब मैं उठा करके रख दिया है। तो यहाँ पे अब ठीक सब साफ़ सफ़ाई हो गया है। अब चलते हैं बेडरूम में, बेडरूम को भी थोड़ा ठीक कर लेते हैं, बिखरा रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है, और सारा काम हो जाने के बाद ऐसे ही फिर पूरा जो बिखरा रहता है तो मैं ठीक कर लेती हूँ, ताकि देखने में भी अच्छा लगे और अच्छा लगता है, फील भी अच्छा होता है साफ़ रहने से। तो यहाँ पे अब बेडरूम का जो है बेडशीट ये सब उठा करके झाड़ करके ठीक कर लेंगे। और वहाँ पे देखिए यासिर के पापा भी आ गए थे यासिर को छोड़ के, तो अभी फिर उसको लाने जाएंगे, उसको छोड़ कर आए हैं। तो यहाँ पे बेड का जो है चादर वो सब ठीक कर लेते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना ऐसे बिखरा हुआ रहता है। तो यहाँ पर आ गए थे अभी यासिर के पापा, कुछ बोल रहे थे तो उनसे मैं बात कर रही थी वहाँ पे। और ये सब तकिया में कुछ लगा हुआ था, वही देख रहे थे कि क्या है यहाँ पे, तो वही है। तो यहाँ पे अभी मैं दिखा रही हूँ उनको भी कि क्या है, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा था, रेड रेड कुछ था लगा हुआ, तो वही देख रहे थे कि क्या लगा हुआ है। तो यहाँ पे बेड का चादर जो है वो उतार करके पूरा अच्छे से झाड़ लेंगे, के बाद फिर बिछा देंगे उसको, तो अच्छे से बिस्तर भी रहता है ना बेड, तो अच्छा लगता है।
तो यहाँ पे वही मैं कर रही हूँ। और आप लोग सब कैसे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हो रहा है, चादर अब बिछा लेंगे, उसके बाद यहाँ पे फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। यासिर के पापा को चाय दे देंगे, थोड़ा चाय बना करके वो पी लेंगे, उसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो यहाँ पे बिस्तर को ठीक कर ले रहे हैं अच्छे से, और यासिर को भी ट्यूशन गया ना तो याद करना था, वो याद करके गया है, वो उसको भी अभी लेने जाएंगे उसके पापा फिर से, तो इसलिए अभी मतलब चेंज वेंज नहीं किए हैं। तो यहाँ पे देखिए, और चादर मैंने अभी एक दिन हुआ है चेंज किया था, तो मैंने वही चादर को फिर से झाड़ करके बिछा दिया है, क्योंकि इतने जल्दी चेंज नहीं करेंगे ना तो गंदा नहीं होता। ऐसे भी सब ज़्यादातर उसी रूम में रहते हैं, बेडरूम में तो बहुत कम ही हम लोग रहते हैं, सिर्फ सोने के लिए आते हैं, तो ज़्यादातर हम लोग वहीं रहते हैं, तो इसी वजह से चादर उतना गंदा नहीं होता है। तो मैं इतनी जल्दी एक दिन में जल्दी से नहीं बदलती हूँ, तो भी अभी साफ़ चादर मैंने बिछाया था, तो वही चादर को झाड़ करके बिछा दिया है फिर से। तो यहाँ पे देखिए चादर मेरा बिछ गया है, और बेड दिखाई नहीं दे रहा है कैमरे में ठीक से, क्योंकि थोड़ा ऊँचा में रखा हुआ था ना इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए चादर बिछ गया है, अब चलते हैं, सब तकिया सब रख देते हैं अच्छे से, ये रूम भी हो गया है सेट, अब चलते हैं फिर दिखाते हैं आप लोगों को कि कैसे बिछा दिया वहाँ पे सब तकिया जो है, ला करके रख देते हैं फिर से अच्छे से। तो यहाँ पे हो गया है बेड का चादर भी, तो अभी दिखाते हैं आप लोगों को, ये देखिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर जाते हैं अब यासिर के पापा को चाय दे देते हैं। तो यहाँ तक का आज मेरा व्लॉग था सिर्फ, तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।